थोरो सो थोरो भी धोई मैं यू धोना तो था खुश खुश रहता है ना, तो प्रॉमिस करा देना है कि तुम ये काम कर दोगे। हाँ तो का फायदा उठाने कोई मेरी से नहीं है ना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। आज ब्लॉग की शुरुआत सवेरे सवेरे से हो रही है। मैंने आटा भून दिया है, चाय पी ली है, सब्जी रख दी है और मसीना आज सवेरे सवेरे लग गई, बहुत जो का हल लग रहा है। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आज का दिन का हाल। मैंने सब्जी बना दी और आटा भी भून लिया। आजकल हम डेली कोदे की रोटी खा रहे हैं क्योंकि ठंडियों में कोदे की रोटी खाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए आज हरी सब्जी कोदे की रोटी और कल रात के बासी सब्जी भी है थोड़े से, उसको हम खा लेंगे और हरी सब्जी दाल के लिए। ये रहा आज भी कोदे की रोटी, आजकल हम डेली खा रहे और हमारी हरी सब्जी। आज इसमें कोदे की मात्रा थोड़ा कम है और गेहूं की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आज थोड़ा गोरी गोरी लग रही है ये रोटी। कल ये बहुत खुश हो रहे थे, मैंने अच्छा और भी चिन्ह जी, मैंने इनको खुशी खुशी में एक प्रॉमिस करा दिया कि कल के कपड़े तुम धोओगे, पर आज क्या करे गाइस, मजदूरी का नाम। अरे अच्छी नीर में बिजाई गर्म पानी में भिगोन सा, अच्छी मैं रुको रुको रुको, मौका मिला है तो फायदा उठाना पड़ेगा। फायदा उठाने कोई मेरी से राशन नहीं मिली थी, दो चार सात पाँच छह मेरे नाम की राशन नहीं मिलती यार, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम वो ही नहीं कराया, मेरा एडमिशन नहीं कराया। क्यों मेरा एडमिशन कब करो तुम, दो ढाई साल हो गए इन्होंने मेरा एडमिशन नहीं कराया। बहुत बोला निर्मा हार नहीं धोए सिर्फ भेज चले, हाँ दे जैकेट जैकेट में सब धोए तुम्हारा सब, ये वाला थोरो सो थोरो भी धोई मैं, ये धोना तो था आज अपने आप की लाल जैकेट धो ली है, अभी धूम ढंग के निकालते हो ना, नहीं है परसों धो दिए थे ना मैंने, नहीं हाँ ये लाल टोकलू ये तुम्हारा को रिछो अभी गुंद तुम ना धो दी, गुड गुड गुड, ऐसे उठाते हैं मायके के फायदा, जब खुश खुश रहता है ना तो प्रॉमिस करा देना है कि तुम ये काम कर दोगे। हाँ तो आज अपना प्रॉमिस का वादा निभा दिया, प्रॉमिस का वादा अपना प्रॉमिस निभा दिया इन्होंने। पर क्या हुआ परसों कल परसों में मोमो लाई थी मैंने, यहाँ पे रखी थी चटनी दादी ने, यहाँ पे रखी थी सजा लेके दी दादी ने, सोचा था नहीं क्या है इसमें, यहाँ पे रखी है, अब हो गया इसका काम कुछ नहीं है, वो तीखी वाली होती है ना नहीं। अभी मैं थोड़ा सा ना अपने लिए भात फ्राई करूंगी, कल रात का थोड़ा सा बच रखा है, बर्बाद क्या करना है, उसमें खूब सारी वेजिटेबल काट के उसको फ्राई करके उसको खाएंगे, बड़ा टेस्टी होता है। अभी दिखा दूं मैं क्या क्या डालूंगी, गाजर डालूंगी और ये हमारे यहाँ तो होता नहीं है ये, पर अब ये क्या बोलते हैं इसको, इसको मुझे अंग्रेजी अंग्रेजी मतलब बाहर जो लोग बोलते हैं वो वाला नाम याद है, इसको जुकीनी बोलते हैं शायद, जुकीनी, पर घर में पता नहीं क्या बोलते क्योंकि हमारे यहाँ होता ही नहीं है। क्या बोलना इसको, क्या बोलते हैं इनको भी नहीं है पता, पर मुझे ये वाला नाम पता है, इसको जुकीनी बोलते हैं, जुकीनी। तो तैयार हो गई आज, पर मैं थोड़ी जल्दी तैयार हो गई, अभी 9:30 हो रहा है, मैं 9:45 में जाऊंगी कमरे से, और ये भी हो गई ना जल्दी तैयार, इसलिए मैं भी जल्दी तैयार हो गई आज इनकी वजह से। आज इन्होंने मेरा पानी पुनी भर के मेरा थर्मस दिया ना, तब मेरे को थोड़े से काम करने में आसानी हो गई, बाकी मैंने दादी के लिए खाना वगैरह सब कुछ रख दिया है, और मैं यहाँ की लाइट ना बंद कर दी क्योंकि अंधेरा हो जाता है यहाँ और दिखाई नहीं देता। अभी मैं ऑफिस से आ गई और ना मुझे ऑफिस से घर आता आते इतना ठंडा हो गया ना, इतना यहाँ नहीं हो रहा उतना ठंडा जितना वहाँ कोठियाल से हो रहा, ऑफिस से और बाजार से आने पे वहाँ पे मैं 10 मिनट खड़ी रही तब मिली मुझे गाड़ी ना, इतना ठंडा मैं बता नहीं सकती, मेरे हाथ अभी तक भी ना ऐसे हो रहे सुन से हो रखे हैं, इतना ठंडा हो रहा वहाँ, जैसे मैं वहाँ पे गाड़ी के लिए खड़ी तो मेरे ठंड से ऐसे हो रहा ऐसे ऐसे झरझर झरझर ऐसे हो रहा था, इतना ठंडा है मतलब वहाँ कोठियाल से ऐसी हवा, जैसे धूप जाती है ना तो वहाँ इतना ठंडा होता है हमारा, तो जब तो धूप रहती है तो हम बाहर आते रहते हैं किसी टाइम पे धूप सेकने,
पर क्या बताऊं, मैं जब धूप जाती है ना इतना ठंडा है वो, इतना वो क्या बताएं, इमेजिन नहीं कर सकते कितना ठंडा है। और मैं ना ऑफिस आके मुझे भूख लग गई है और भात बना रखा है दादी ने, तो मैं उसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी अपने लिए। मैंने काफी जो गाजर गोभी और मिर्ची ना सुखाने के लिए रखी थी वो तो अच्छी तरह से उग गई है। और ये रही, और अब मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने सरसों भून के थोड़ा सा पीस लिया है। मेरे पास बाजार के कोई भी मसाले नहीं है, मेथी सौंफ जीरा वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर के मसाले ऐड करूँगी, आपको दिखाऊंगी कैसे बनेगा। पर इसमें मैंने सरसों भून के ऐड किया है, आपको प्रोसेस दिखा दूँगी। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, बाकी सारे लोग अपने तरीके से बनाते हैं, पर मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तेल ले रखा है, इसमें मैं स्प्रे इसको डाल दूंगी, तेल में डाल दिया, इसमें थोड़ा सा पकाना नहीं है, सिर्फ भूनना है तेल में, ताकि कच्चे तेल की खुशबू ना आए। थोड़ा नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, इसमें ये वाला मसाला भी डाल दूंगी, इसे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ना अचार खूब भरा भरा सा लगता है, इसको मैं मिक्स कर दूंगी। मैंने अपने बेसिक मसाले भी ऐड किए हैं जो हमारे डेली यूज में रहती हैं, सारे मिक्स हैं, तो मैंने ये भी इसके साथ ऐड किया है। और ये काला लग रहा है, इसका शक्कल तो ऐसे मत समझना गंदा है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसकी जो सरसों की खुशबू आ रही है ना वो इतनी अच्छी आ रही है, वाओ। सारा मसाला मिक्स कर दिया, दिखने में तो काला लग रहा है पर जब इसको खाएंगे ना तो इसके साथ खूब मसाले आते हैं। आज आपके डिनर में क्या है? आज है दाल, दही, आलू का चोखा, भात, कोदे की रोटी, गेहूं की रोटी, दो प्रकार की रोटियां। कितने दिन करूं मैं इनके कार्ड आपके पास, इनका कुछ काम नहीं है फोन देखने के अलावा। दोस्तों देखो, देखो ना, कितने दिन करूं इनकी काट है। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है और दादी को पानी गर्म करने के लिए रखा है मैंने, कि तब तक जरा फोन पे ब्लॉगिंग कर देती हूँ। इससे पहले नहीं कि मैंने, जब हमने खाना खाया मतलब मैंने और दादी ने, तब पता नहीं हमारी टीवी कब लगेगी। अब कब लाना तुम टीवी है? टीवी कब लाना? कब परसों? जे दिन मैंने परसों नहीं आया, जे दिन में टीवी आया है पता नहीं कब लगेगा। ऐसा मान लिया तो फोन है ही ना, पर कभी कभी दादी के लिए ना कथा सुनने के लिए हो जाता है, कभी कभी मैं अपने फोन से सुना देती हूँ, लगा के छोड़ देती हूँ, पर टीवी पे अलग ही मजा आता है। हम दोनों पक्के पास तो फोन है, हम ऐसे में टाइम पास कर देंगे, दादी बोर हो जाती है ना इसलिए। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है और आज हमने बनाया था, क्या बनाया था? अच्छा, दाल और रोटी और आलू मैश करके बनाया था, इनको बड़ा पसंद आया और मेरे को पसंद आया, तुम तो अच्छी लगी जी। जो मैंने आलू को बनाया था ना, क्या बोलते उसको, चौखा, अच्छा लगा? चार पता नहीं लोग और गाने लगे लोग कॉपीराइट सर है वो। तो चलो आज के इस ब्लॉग को ये, अरे यार क्यों होने ना, हेलो अब नहीं बोलूंगी। खाई थी फिर मोर बेटे।
चलो आज के इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।